हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको देखेंगे कि क्या है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कब ये भारत में पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो स्पेसिफिकली एक डेलिनेटेड यानी चित्रित ड्यूटी फ्री क्या होता है, इनक्लेव होता है। डेलिनेटेड का मतलब आपका है चित्रित ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ पर यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई भी ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती है एंड शैल बी डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी। एक तरीके से इसको माना जाता है कि ये फॉरेन टेरिटरी की तरह है, हमारे देश में ही एक ऐसा क्षेत्र या फिर एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है जिसको ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री कर दिया जाता है और उसको फॉरेन टेरिटरी के जैसे ट्रीट किया जाता है। पर्पज़ ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटी एंड टैरिफ, यहाँ पर जो है टैरिफ एंड ड्यूटीज जो होते हैं फ्री होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो जियोग्राफिकल रीजन होता है, एक तरीके का आपका पर्टिकुलर क्षेत्र होता है एंड हैज़ अ इकोनॉमिक लॉ। कुछ ना कुछ क्या होता है, इकोनॉमिक लॉ होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं आपके जो कंट्री का जो टिपिकल लॉ होता है इकोनॉमिक लॉ, उससे थोड़ा यहाँ पर अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके देश में कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ तो लगाई जाती हैं, इंटर स्टेट भी होता है और बाहर के लिए भी होता है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है इसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती। इस वजह से यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक लॉ होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैटेगरी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंक्लूड होता है इसमें फ्री ट्रेड जोन होता है, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी होता है, फ्री जोन होता है, फ्री इकोनॉमिक जो होता है जोन होता है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल जो पार्क्स होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं, फ्री पोर्ट्स होते हैं मतलब यहाँ पर पोर्ट जो होते हैं बंदरगाह वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एंड बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क्स एंड अर्बन इंटरप्राइजेस जोन भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो बैंक्स भी कुछ सेटअप होती है जो कि फॉरेन बैंक्स होती हैं। ओके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन पहली बार भारत में आया था, इसका इंसेप्शन जो हुआ था वो April 1, 2000 को हुआ था, यानी आपके 1 अप्रैल 2000 को इसका फर्स्ट टाइम जो है भारत में इसे मतलब स्टार्ट किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है 2005 में इसको लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया और एशिया में फर्स्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेटअप हुआ आपका कैंडला में, ठीक है, 1965 में। हमारे देश में इस समय 8 जो है स्पेशल फंक्शन वाले इकोनॉमिक जोन हैं, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में, कोचिन केरला में, कैंडला सूरत गुजरात में, चेन्नई आपके तमिलनाडु में, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एंड फाल्टा जो है वेस्ट बंगाल में और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में और ये सब आपकी इंडिया में हैं। अब फर्दर जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंदौर मध्य प्रदेश के लिए नाउ रेडी फॉर द ऑपरेशन, अब नया आपका एक नया वाला बन चुका है इंदौर का। तो ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि जो लेटेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदौर। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।